हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है फुल डे ऑफ फिटिंग। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अपनी करंट डाइट बताओ, अपनी डाइट बताओ, क्या खाते हो पूरे दिन में। तो मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपने पूरे दिन की डाइट बताती हूँ, तो आज मैं फाइनली वो वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दिन की पहली मील मेरी होती है ओट्स। आओ आज मैं आपको ओट्स बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन, उसमें चाहिए आपको पानी, इतना पानी, और आपको फिर गैस भी चालू करनी है साथ में। ये 40 ग्राम के आसपास ओट्स होंगे। मैं कभी नापती नहीं हूँ क्योंकि इतने सालों से बना बना के ना मुझे अंदाज़ा पड़ चुका है। और आपको साथ में चाहिए होगी एक चम्मच, तो इसके लिए चाहिए आपको एक बोल। तो ओट्स बनके तैयार हैं। इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, इतने ड्राई फ्रूट्स, और एक स्कूप प्रोटीन, ताकि मुझे प्रोटीन भी मिले मेरी मील में। और ओट्स मेरी फेवरेट मील में से एक मील है, तो मैं ये मील हमेशा ही लेती हूँ, हमेशा। चाहे मैं बाहर जा रही हूँ या हम घर यहाँ पर हैं, घर पे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा मेरी फर्स्ट मील में ओट्स होते ही होते हैं। तो ये है मेरी बहुत ही सिंपल सी मील। आप चाहो तो इस मील को बहुत फैंसी बना सकते हो, इसमें ब्लूबेरीज वगैरह डाल के। मुझे ऐसी पसंद है तो मैं ऐसी खाती हूँ। Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for... तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं लेती हूँ एक कैप्सूल फिश ऑयल का, क्योंकि फिश ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, आई हेल्थ, जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ना, ये बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का। तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं रोज़ फिश नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मैं इसकी एक कैप्सूल लेती हूँ। जो भी डेली रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 की, ये कैप्सूल उसको फुलफ़िल करता है। और जो मैं फ़िश ऑयल यूज़ करती हूँ वो है ये स्विस कंपनी का फ़िश ऑयल। ये है स्विस अल्ट्रा बूस्ट ऑर्डरलेस हाई स्ट्रेंथ वाइल्ड फ़िश ऑयल। इसमें है 1500 mg फ़िश ऑयल, हाईएस्ट फ़िश ऑयल कंसनट्रेट इन सिंगल कैप्सूल, जिसमें आपको मिलता है 270 mg EPA, 180 mg DHA। स्विस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इनके जो भी क्वालिटी है वो आपको बेस्ट ही मिलेगी। इस फिश ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप इसको खाओगे तो आपको फ़िश ऑयल जैसी स्मेल नहीं आएगी और ना ही कोई बर्प आएगी फ़िश ऑयल जैसी, इसलिए इसके नाम में ऑर्डरलेस आता है। अब हो चुकी है दोपहर और मुझे लगी है भूख। बारी है सेकेंड मील की। सेकेंड मील में मैं खाने वाली हूँ प्रोटीन पैनकेक, और ये पैनकेक बहुत डिलीशियस होते हैं। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। आपने अगर एक बार खा लिए ना, आप रोज़ खाओगे, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ। आ जाओ सिखाती हूँ। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए इतने से ड्राई फ्रूट्स, 30 ग्राम के आसपास ओट्स हैं ये, और 3 अंडे। और मेरे पास बनाना नहीं है, बट मेरे पास बनाना फ्लेवर प्रोटीन है, तो मैं वो यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बनाना है तो आप बनाना डालो, और एक स्कूप प्रोटीन भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं ओट्स को पीसूँगी ताकि इसका अच्छे से पाउडर बन जाए और मेरे पैनकेक अच्छे से बने, और ओट्स के साथ ही मैं इनको भी पीसूँगी। और ये है सीड्स पाउडर, आप चाहो तो डाल सकते हो अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट है। मेरी हर डाइट में प्रोटीन, फैट एंड कार्ब आपको दिखेगा, और बहुत सारी वेजिटेबल्स। डालेंगे 3 अंडे। आप इसमें बनाना डाल सकते हो, मेरे पास बनाना फ्लेवर प्रोटीन है तो मैं एक स्कूप बनाना फ्लेवर प्रोटीन डालूंगी। और अगर आपसे डब्बे बंद ना हो तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो। मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ। हाँ, आप लोग देख लो आप किसकी लोगे। तो अब आता है मेन पार्ट, जिसके लिए आपको चाहिए एक नॉन स्टिक पैन। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा बटर लगा सकते हो, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी चीज़ें नहीं बनाती क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो ईजी बना लेती हूँ ताकि रोज़ मैं बना सकूँ और अच्छे से अपनी मील ले सकूँ। तो इसको सीधे अपने तवे पर डालना है।
तो ये है मेरी सेकंड मील। आप चाहो तो इस पे पीनट बटर की टॉपिंग कर सकते हो। मैं ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ क्योंकि पीनट बटर लगा के मुझे थोड़ा मीठा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही खाती हूँ इनको। तो अब बारी है मेरी प्री वर्कआउट मील की। प्री वर्कआउट मील में मैं खाती हूँ पीनट बटर सैंडविच, जिसमें मैं कभी कभी बनाना भी ऐड कर लेती हूँ। आज मेरे पास बनाना ख़त्म हो गया था तो इसमें है सिर्फ पीनट बटर, तो ये खा लेती हूँ मैं। ये मील लेना बहुत इजी हो जाता है, रेडी टू ईट है, इसलिए मैं इसे खाती हूँ। क्योंकि अगर मैं हर मील को बनाने लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो रेडी टू ईट और बेस्ट भी है, एनर्जी भी बहुत देर तक रहती है। तो प्री वर्कआउट मील हो गई है कंप्लीट, अब चलते हैं वर्कआउट करने। मेरा कंप्लीट वर्कआउट के बाद मैं पीती हूँ एक स्कूप प्रोटीन, और इसमें 5 ग्राम है क्रिएटिन, ताकि मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़े। पीने के 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ ये मील। इसमें चिकन रिप्लेस कर देती हूँ कभी कभी एग से, कभी मैं चिकन खाती हूँ और कभी कभी अंडे खा लेती हूँ, बट राइस हमेशा रहते हैं। 50 ग्राम तक इसमें चिकन है और 50 ग्राम के आसपास ही राइस है। तो ये मील है मेरी बेस्ट मील। अगर आप द्वारका में रहते हो तो आप आ सकते हो हमारे जिम में। हमारे जिम का नाम है आरके फिटनेस, आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री। आप गूगल मैप पे भी डाल सकते हो। हमारे जिम की सबसे ज़्यादा रेटिंग है और हमारे जिम को 1 साल होने वाला है, तो हमने बहुत अच्छे ऑफर्स निकाले हैं। तो आप आओ, जिम देखो और ज्वाइन करो। तब तक मैं अपनी मील इंजॉय कर लेती हूँ। तो ये है मेरे पूरे दिन की लास्ट मील। मैं अपना जो ब्रेकफास्ट होता है ना और प्री वर्कआउट मील, वो मैं खुद बनाती हूँ। बाकी का ये मैं अपना जिम से लेके आ जाती हूँ। मेरी जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है और जो मेरा डिनर का लास्ट मील होती है, वो मैं जिम से लेके आती हूँ। जो मेरी लास्ट मील होती है वो भी चिकन राइस की होती है। इसमें 50 ग्राम चिकन है और 50 ग्राम के आसपास राइस है। थोड़े वेजिटेबल्स हैं क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, तो मैं हर मील में वेजिटेबल्स रखती हूँ। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने अपना सुबह से लेकर रात तक जो भी मैं खाती हूँ वो बताया है। आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो, और फॉलो से याद आया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइज।